तो भैया जरेब की चल रही है शादी, ये भी टिकटॉकर्स थे बहुत पहले। हमने लारेब के वीडियो पर रिएक्शन किया था सालों पहले, और आज सालों इनकी शादी हो पहले रही है। भाई मतलब कैसा टाइम गुजर रहा है देखो, सब छोटे छोटे हुआ करते थे, मां सफदर, शहीर खान, जरनेब, और ये टीनेजर्स टिकटॉक बनाते थे, म्यूजिकली बनाते थे, और अब सबकी शादियां हो रही है और हमारी भी शादी हो गई। तो इनसे कहाँ से पहले कहाँ पहुँच गए भाई हम, देख लो कैसा टाइम गुजर रहा है। सिस्ट्रोलॉजी भी वहाँ पर गए तो उनका व्लॉग आया, तो वही देखेंगे हम। एंड तक आप बने रहना। हियर वी गो। हम लोग जा रहे हैं जरनाब एंड लारेब की शादी पे। कैच कैच खिलवा रहे हैं। उनका पंजाबी आदि चला वो भी पंजाबी। ला माफ करे, ब्राउन शेड ये है। ब्राउन शेड नहीं, ये ये वाइट था। डर ये कौन? ओ ला माफी, मैं डर गया। ओ भाई डर गया। ढेलों की तरह ना दो झूले ले रहे हैं, पता लगे कोई वॉक करने के लिए आया और डर गया ऐसे। मेरे से ना बच जाओ, समझ आइए, मेरे से ना बच जाओ। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। दिन मेरा शुरू हो चुका है, वेलकम टू कराची हो गई हूँ भाई। और कराची में दिन इतना प्यारा है, कल तो खैर बारिश ने इतना भिगा दिया था कि आके मुझे दोबारा बालों को धोना पड़ा, क्योंकि आज हम लोगों ने भी जाना सीधा एक मीटिंग पे, जिस काम के लिए हम मेन काम के लिए आए हुए थे वो मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जाना है सैलून में, सर्विसेज वगैरह करवाऊंगी, एंड फिर हमें शाम में एक शादी अटेंड करनी है, उसके लिए जाना है, और मैंने भी जाना है, अरीब ने भी जाना है। तो अरीब साहब रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर लिए बोरिया बिस्तर पैक? सब कुछ पैक, सब कुछ पैक है यार। लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने चीजें पैक करके रखी हुई। ये किचन बहुत पसंद आया। ये बस अगली दफा आपने मुझे गिफ्ट करना है ऐसा घर। नहीं, ऐसा ऐसा घर जिसमें इस तरह का किचन हो, ऐसे डाइनिंग टेबल हो, सादी किचन सब कुछ। हाँ, इस तरह डेकोरेट हुआ। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ये सब कुछ चीजें बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है यहाँ पे। तो गाइज ये देखें, ये अगली दफा ना अरीब ने मुझे घर गिफ्ट करना, तो फिर मैं आपको उसका होम टूर कराऊंगी, ठीक है? प्रॉपर। और अब आपको अपनी जरा मैं फुल लुक दिखा दूं, हल्की आंच पे। ये देखिए फुल लुक, टंग 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 टंग। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, बिल्लियों जैसे, शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। कब से सुबह से मैं उनसे बातें बातें कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग नहीं बना पाई, आपको नहीं दिखा पाई। खैर सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये देखो, ये मुझे यहाँ पे कराची की बिल्ली मिल गई मेरी। शी इज सो क्यूट। जोहान, ये है जोहाना। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ये तोता है, ये बिल्ली नहीं है, ये तोता है। जो बोलोगे आगे से रिपीट करेगा। बोलो इकरा दी बेस्ट ब्लॉगर। इकरा दी बेस्ट ब्लॉगर। इसको देख के मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। चले जी, हमारी गाड़ी रेडी थी। मेरे साथ मेरी एक्चुअली स्टाइलिस्ट भी है, जिन्होंने मेरी आज की लुक बनानी है और मेरी शादी की लुक्स बनानी है। स्टाइलिस्ट हो रही है करीब। आपके कपड़े नहीं एडजस्ट होते, लोग कहते हैं औरतों की चीज़ें नहीं एडजस्ट होती। यहाँ से देखें भैया, आपको कराची दिखाते हैं, खूबसूरत कराची। ये वाली सोसाइटी बड़ी इसकी, और यहाँ पे ऐसे लाहौर वाली वाइब्स आ रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग कराची करके अभी हम सुकून से जाएंगे, पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं लास्ट को। पहले मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर जहाँ भी जाएंगे आपको। चलो जी गाइज, मेरे काम से मैं हो गई थी फ्री, और अरीब साहब अब जा रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए। मैं फ्री होके फिर आता हूँ, ठीक है? तुम तब तक ना अपना सैलून वगैरह काम कर। हाँ, मैं वहाँ पे सर्विसेज लेके आ, ठीक है? फिर रेडी भी होना मैंने, ठीक है? बाकी सब चीजें रख ली आपने, मिस ना करना मुझे ज्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। लैपटॉप दिखाना, ठीक है? ओके, ऐसे होना चाहिए। बीवी खुद ही अज्यूम कर ले कि ये मेरे को मिस करेगा, ये नहीं बोलने वाली होना चाहिए कि तुम तो मेरे को मिस करते ही नहीं। इतना रश है यहाँ पे कि क्या बताऊँ। तो बहुत ही देर के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं सैलून, और अब बस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है भाई। कराची में ट्रैफिक तो बहुत है। अब हम लोग जाएंगे और फिर दिखा दो। तो जी गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी थी, और ये मेरा जूस पड़ा है, और अब बस थोड़ी देर में मेरा मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेकअप और मेरी ड्रेस मेरा ये पड़ा हुआ है। मेकअप वाले डिपार्टमेंट में जाने में भी टाइम है। चलूँ जाऊँ कब? कौन उनको बोले जल्दी जल्दी, मुझको जल्दी जाना है, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट। ओके, लंच नहीं, डिनर का टाइम। डिनर भी नहीं, मुझे जाना है मेकअप, बस बस थोड़ी देर, 5 मिनट। ओके, मेरा मेकअप निकाल रहे हैं, कलुफ में ही पड़ गए हैं। वैसे बड़े मेहमान नवाज लोग हैं भाई कराची वाले, सीरियसली बड़ा अच्छा लगा मुझे सबसे यहाँ पे मिलके। मुझे कह रहे हैं जब तक आप खाएंगे मेकअप नहीं शुरू करेंगे, तो मुझे खाना पड़ रहा है। थोड़ा सा खाते हैं,
फिर मेकअप शुरू कराते हैं क्योंकि 8 बज गए होने लगा मेरा यहाँ पे मेकअप। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मेकअप करने के बाद आपको दिखाती हूँ हल्की आ चुकी हूँ। चलें जी गाइस फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है, मेकअप बहुत अच्छा हुआ है मेरा हुआ है ना। मैं जरा क्लोजअप लेती हूँ और क्लोजअप लेती हूँ। अब जो है वो ड्रेस भी मैंने पहन लिया और मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे जो है ना वो फटाफट अपने हेयर डू कराना और नेल्स किसने लगाने नेल्स बाकी देखते हैं। पाँच मिनट हो जाएगा। अब देखना 5 मिनट में ये मेरे बाल रेडी करके आती हूँ मैं फिर आती हूँ। सही है इधर देखो भाई मेरा दूल्हा तैयार होके खड़ा है यार। 2 घंटे इंतजार करवाया 2 घंटे। I'm sorry। पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ सही बताओ। हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। मैं इतना लेट हो रही थी कि अरीफ साहब ने कितने घंटे इंतजार किया मेरा? 2 घंटे। पूरे 2 घंटे मेरा इंतजार किया। लेकिन ये है प्रैक्टिस नंबर 1। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी की वैसी लग रही। गजब बेइज्जती है यार। ये मेरे प्रैंक्स ना किया। 4 घंटे लगा के तैयार हो तो बंदा लगता वैसे का वैसे। आप क्या करवा के मेरे से बाल बना के आ गया? बस वैसे के वैसे। मैंने कुछ किया नहीं तो वैसे का वैसे ही लगूंगा ना। ये मुझे मत तंग किया करो, इतनी मेहनत करी है। देखें लैशेस भी लगाई हैं आज तो मैंने, लुक चेंज किया। यही फर्क है भाई। स्टॉप टीजिंग मी। हमने कितनी देर दूर है लोकेशन से? 9 मिनट का रास्ता है, मतलब 9 मिनट। हम लोग जा रहे हैं जरनाब एंड लारेब की शादी पे क्योंकि हम कराची आए थे। हमने कहा यार इतने प्यार से उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है तो अगर हम आए हैं तो हमें जाना चाहिए। तो बस फिर हम दोनों ने प्लान बनाया और अब हम लोग जो है वो वहाँ पे रवाना हो रहे हैं। वहाँ पे जाके मिलते हैं सबसे, देखते हैं क्या सूरत हाल है और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। चलो जी गाइस हम लोग पहुंच चुके थे शादी पे। यहाँ पे माहौल देखें और ये माहौल अलग ही है। हमें छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं। आपको पता है बटरफ्लाइज मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। मैं जब छोटी थी ना ये बटरफ्लाई ना ईद ना पापा बोलते थे लेके देंगे। अभी मैंने उसके सर पे देखी है, उनका यार फिर से ट्रेंड आ गई, बहुत प्यारी लगती है मुझे। हाय कर दो। ठीक है। हम बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को व्लॉग में ले रहे हैं। अब हम कराएंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना, हम लोगों ने कपल से मिल लिया बल्कि आपको भी अभी हम मिलवाएंगे थोड़ी देर में क्योंकि अभी खाना शाना लग रहा है। अब ये आप लोग रश देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। खाना खुल गया तो जल्दी जल्दी शूट कर लो, मैंने भी खाना खाना। टाइम भी बताना है, टाइम भी बताना है कि किस टाइम खाना खुला है। कराची में 12 बज रहे हैं। कराची में 12 बजे खाना खुलता है लेकिन लाहौर में 10 बजे बंद हो जाता है। पहले रात के 12 बजे खाना खुल रहा है। ओ भाई मास सब कर गया है। हमको गिफ्ट मिला है। यस हम बबलू की बर्थडे पे नहीं गए फिर भी हमको गिफ्ट मिला है। थैंक यू। ये भाई हमसे नाराज हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ किसी वजह से नहीं आ सकी होगी, अननोन वजह की वजह से बर्थडे में आई। मैंने शिकायत की भाई क्यों नहीं आई। नाराज था बहुत ज्यादा। सबाने बड़े मुझे उसने कहा था, सबाने बड़े दिल से बासिल की बर्थडे पे इनवाइट की है और बासिल को आज लेके नहीं आया। सोच के आया था उससे मिलना है। हम पता है घर पे सुहान को देखते हैं, हमारा वो जारी का भतीजा जो हमारा गोलू मोलू है, हम कहते वो बिल्ली है, एक बिल्ला है। लेकिन मैंने जेन्युइन बताऊं वो जेन्युइन बॉस बेबी लग रहा था। मैंने साथ हम लोगों ने बैठ के वीडियो देखी है और प्रॉपर वो लग रहा था। हमारे दुल्हा दुल्हन को किसी की नजर ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। अब सोच रहे हो गए तुसी कितों आ गए हो यार? मैं तो पहले दिन से सोच रहा था मैंने किधर जाना है। अच्छा जाने के लिए मैंने आपको इनवाइट करना था ना, इसीलिए मैं आ गई हूँ। समझ रहे हो? अब मैं हो गया इनका आदि। वो भी पंजाबी। उन्होंने कहना यार कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, अब हम यहाँ फोटो शोटो खिंचाते हैं यार। न्यूली बहुत मुबारक हो आप लोगों को। गाइस हम लोगों ने दूल्हा दुल्हन को ले लिया, ठीक है हर चीज हो गई, मैंने अपना शूट करा लिया। इकरा कवल ने खाना नहीं खाया ना आपको खाना दिखाया क्योंकि इतना रश हो गया था, इतना क्राउड हो गया था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ सब लोग पिक्चर्स बनाने के लिए आ गए थे। तो मैं ना पिक्चर्स बना के ऐसे 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 कर करके थक गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पेट पूजा प्रॉपर की है क्योंकि वो कहते हैं मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त होती और तुम शूट कर आ रही थी और मैं वेट कर रहा था और मैं वेट करते करते गंवाना नहीं चाहता। खाना शाना सब उठ चुका है, निकल चुका है, यहाँ पर सब चीज़ें पैक 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 हो रही हैं। अरीब साहब पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। इसको भूख लगी है, हम बाहर जाके कुछ खाएंगे अब। पहले हम अपना एक दो और मेरे शॉर्ट्स रह गए हैं, जो रील्स बनती हैं वो आसान नहीं होती हैं, बस वो बनाते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखें जी ये है फुल लुक मेरी बेगम की। वाह भाई वाह,
फुल लुक नहीं दिखा। इस बंदी ने खाना नहीं खाया और सिर्फ शूट करवाती रही है। देखे ना इंस्टाग्राम पे भी, हाँ। ये भी शुमार है, इसने भी खाना नहीं खाया, ये शूट करता रहा और ये शूट करवाती रही है। ये देखे ना वो करते नहीं है, हम जो है वो काम आपको रील्स बना बना के दिखाते हैं। वाह वाह वाह, ये देखिए फुल लुक दिखा दी है। कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताएं लास्ट में। मैं बताता हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। हसीन जमील शकील मुनीर अरीफ, हाँ अब अरीफ का भी इजाफा हो गया मेरे उस फिक्रे में। चलो ये क्या बोलना चाहिए यार, बस फिर इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे जरूर। आप पापा आएंगे हमारी शादी पे, मुझे पता आप तो आपकी शादी से कहीं लोग ही नहीं, आप लोग भी लाहौर से। हाँ अभी तो नहीं, अब तो शादी के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये कह रहा है कि आपको घुमाते फिराते, हम घूमे फिरे बगैर ही घूम गए हैं। घूम गए सीरियसली, हम घूम गए कैसे कराची का? नहीं नहीं कराची बहुत अच्छा है, कराची वाले बहुत अच्छे हैं। शादी की तैयारी, शादी की तैयारी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी शादी पे मुलाकात होगी। ये नाच रहा है, ये देखो जी, ये अल्लाह माफ करे इसने क्या हाल किया। अरे वो पानी वाला वेन्यू था ना, तो सारी तपड़ी का काम मैंने किया, सफाई का, उनके पैसे बच गए हैं। चलो अंदर हो फिर बैठे। अब कैसे बैठो? ये देखो जाके दिखाता हूँ आपको इसके कपड़ों में क्या हाल हुआ है, इसने इतना गंदे। गाइस वो जिनकी शादी पे गई थी उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि सफाई कर देना, तो मैं इसलिए लहंगा पहन के आई हूँ। मैंने कहा चलो उनके पैसे बच जाएंगे सुकून से, मैं आपको दिखाऊंगी क्या हाल, क्या लेवल का हाल किया। इतना तो मैंने अपनी शादी के अपने निकाह का जोड़ा गंदा नहीं किया था, इतना मैं आज फिरती रही हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, ओके। ये देखें गाइस, अल्लाह माफ करे, ये ब्राउन शेड नहीं, ये वाइट था, ये वाइट था, ये पूरा वाइट था। हम लोग घर आ गए हैं और ये हालात देखें इसके, ये पूरा वाइट था और इसने पूरा ब्राउन कर दिया है, इसने पूरा झाड़ू मारे हैं, पूरा झाड़ू मारती रही है। स्वच्छ पाकिस्तान अभियान, क्या करूं, अल्लाह माफ करे। वो देखो क्या हाल हुआ होगा। आंटी प्रो मैक्स तरीका, जब से सफाई करानी हो उसको ऐसे कपड़े बनाया करें। ये देखे फिर ये ऐसे सफाई करेगी, और जूती देखे क्या पहन रही है। अब चेंज कर रही है, ये मेरी डब्बू जूती है, डब्बू जूती, ये सबको बताएं मेरी डब्बू जूती, डब्बू जूती सबसे कंफर्टेबल जूती। चलो आप फाइनली घर पहुंच गए, बहुत ज्यादा थक गए थे। इकरा आज हम चलते हैं जाके सब कुछ रेस्ट करके बेगम भूखी है तो कराची में। मैंने कहा था शूट करो, शूट ही नहीं खत्म हो रहा था। आपने तो कहा था, आपने सुना भी मेरे बगैर खा लिया। बहुत मजे का खाना था, बहुत मजे का। आज चला रहे हैं, मुझे बनाने वाला ही खिला देते हैं बेटा। ये देखो चले भी चलते हैं जाके, फिर खाना खाते हैं, कुछ मेकअप निकालते हैं। ये थकी आंखें मेरी। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, मेकअप शेकअप धो लिया, फ्रेश हो गई बिल्कुल एकदम बिंदास, जगह जग। और अब जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं और अरीब वॉक के लिए निकले हैं। वॉक के लिए नींद आई है जबरदस्ती, वॉक के लिए, वॉक के लिए कहाँ जाना है, सारी दुनिया सोई हुई है, वॉक के लिए क्या करना है, वॉक के लिए सुबह जाना है। पैकिंग कर ली अरीब? मैंने सारी पैकिंग कर ली, आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, मैंने हर चीज पैक कर ली। वो देखे जरा, चेक करे रोड कितना सुनसान है अरीब। यहाँ वो मैं कहती हूँ पकड़न पकड़ाई खेलते, चला वैसे जाके देखते पकड़न पकड़ाई। तो सुबह तो 4 बजे पकड़न पकड़ाई, सुबह के 4 बज रहे भाई, नींद तो आना बनती है। जी हम आ चुके हैं, ये हमारा नया घर, वाओ होम टूर, होम टूर से भाई, वाह भाई, ये देखें रोड चेक करे सड़कें, कराची की रोड्स। ये कौन? ओ अल्लाह माफी मत दो भाई, अस्सलाम वालेकुम। नमाज के लिए निकले होंगे नहीं, मुझे लगा कि स्टैचू बैठा हुआ है। हाँ हमें लगा कोई डेकोरेशन वो इस तरह एकदम, आप ही ले तो हम डर गए थे। अभी कुछ चाहिए तो नहीं, पानी वगैरह कुछ? थैंक यू सो मच। फ्लाइट है हमारी जल्दी, ठीक है 9 बजे हमने उठना है, और 4-5 4 बजे हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। चलो जाके सोए, चले आए अरीब, सोते हैं, मुझे भी ठंड लग रही है। अब देखो कितना चला के, खुद खुद सामने ग्राउंड है, ग्राउंड जाके देखते हैं। हाँ फुटबॉल खिलाते हैं आधी रात को, ठीक है। अरीब ये चेक करो, बिल्ली मुझे कैसे देख रही है, हैं मारने आ जाती है। अरीब आप मुझे कौन सी ग्राउंड ले आए हो? हाँ वो देखो दिन चढ़ता हुआ भी दिख रहा है आज तो ग्राउंड में मुझे खुद। जॉगिंग करें, खुला है भाई इतनी रात में, अभी वापस चलें, दरवाजा बंद हो गया ना, सारी रात भाई रहेंगे, वापस चलें। सही कह रही हूँ, सारी रात क्या, सुबह तो होगी। अरीब को पिंगों की पड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही अरीब कौन से प्लेग्राउंड में। यार व्हाट आर यू डूइंग, चुड़ैलों की तरह ना दो झूले ले रहे हैं, पता लगे कोई वॉक करने के लिए आया और डर गया कि ये झूले खाली घूम रहे हैं। अरीब सर्दी लग रही है,
पर मजा आया, मजा आया। अरीब ऐसे अरे मेरे से ना बच जाओ, समझ आइए मेरे से ना बच जाओ, मेरे से वाकई बच जाओ। कुछ नहीं कहती, कम मोबाइल रखा होगा, कह रही हूँ ना कुछ नहीं कहती। चलो गाइस उनका हम चल रहे हैं, सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, अब चलते हैं जी। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अरीब को दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बाय। ये ब्लॉग कुछ अलग ही था, इंटरेस्टिंग। मैंने नहीं देखा किसी को सुबह के 4 बजे ब्लॉग करते हुए रात में जैसे गलियों में घूमते हुए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था यार, मज़ा आया। लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत फनी था वो सीन। शादी का कोई ब्लॉग हो आप चाहे हम रिएक्शन करें तो सजेस्ट करना कोई ब्लॉग, मजेदार होना चाहिए यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।